वोटों की गिनती जो है सुबह 8 बजे शुरू होगी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शहीद हिमायू मुजम्मिल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खानाबल में, और जो है तकरीबन 10 हॉल जो है वो एस्टेब्लिश किए गए हैं इस कॉलेज में। इसके बाद जो है हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर फॉर्मर एमएलए होमशाली बुक मजीद लारमी साहब, हालांकि कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट भी है अनंतनाग वेस्ट के। मजीद साहब, एग्जिट पोल को देख के आपका चेहरा जो है मायूस नजर आ रहा है। मायूस सर आपके चेहरे से लग रहा है? मायूस नजर आ रहा है जी। ये किसने कहा आपको? सर आपका चेहरा तो हमेशा, जबान आपकी तेज होती थी। मेरी जबान अभी भी तेज है, मैं अभी भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आपको नजर आ रहा है, आप मीडिया वालों को पता नहीं हो क्या गया है जी जी। आपको सबके चेहरे बुर्जा से लग रहे हैं, ये पता नहीं ये क्या बात है आपको। क्या कुछ देर की खामोशी है फिर शोर? बिल्कुल, मेरे हौसले इतने बुलंद है, मुझे अल्लाह पर भरोसा है और हौसले मेरे बुलंद है क्योंकि मैं जीत रहा हूँ और बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहा हूँ। सर मार्जिन क्या हो? मैंने काम किया जी, मुझे लगता है 6000 से ऊपर जी जी, क्योंकि मैंने काम किया और ईमानदारी से वादा करते हैं 6000 से ऊपर। इंशाल्लाह रहमान, मैं वादा करता हूँ 6000 से ऊपर होगा इंशाल्लाह। सर आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में ये भी कहा था कि अगर मैं लीड नहीं लूंगा तो मैंने लीड ले ली। नहीं, आपके बयान हम याद आपको दिला रहे। मैंने लीड ले ली, फिर जब पोस्टल और माइग्रेंट वोट गिरे गए तो उसमें मेरी लीड जी, उसमें मेरी लीड थी। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह रहमान, जो मैंने काम 2 साल में किया, कोई कैंडिडेट मुझे 50 गांव का नाम बताइए, जो इतने कैंडिडेट है 50 गांव का नाम बताए, चाहे कोई भी हो, पीडीपी का हो, बीजेपी का हो और किसी जमात का हो, 50 गांव का वो नाम बताए, मैं बोल दूंगा मैं उसके पीछे चलूंगा। सर सरकार किसकी बनेगी? यहाँ पीडीपी कह रहा है कि हम सोचेंगे फिर आपको सपोर्ट करेंगे, अगर सीटों की कमी पड़ जाएगी क्या आप पीडीपी को रुजू करेंगे? हम इंशाल्लाह रहमान सरकार जो बनाएंगे, अलायंस की सरकार बनेगी और हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। उस सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस होगा, बाकी यहाँ पे हम किसी के साथ सरकार नहीं बनाने वाले, हम अपनी सरकार बन। कल देखो आप, कल रोजाना सारे निकल जाएंगे, रिजल्ट आएंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। सर अभी आप कहाँ थे? मैं बस इलाके में था, एक 2-3 टारगेट पर था। मैं घर में बैठने वालों में से नहीं हूँ जी, मैं गया था, अभी सुबह निकला मैं, मतलब कहीं जगह पे तहजियत थी, कहीं जगह पे और कुछ मतलब खबरगिरी के लिए मैं गया था वहाँ पे, मैं सुबह अभी वापस आया। क्या आपको लगता है कुछ देर की खामोशी है शोर फिर आएगा? तो कोई खामोशी नहीं है, मुझे लगता है कि सब अभी जितने भी लोग हैं वो अपने हौसले बुलंद करके बैठे हैं और मेरे हौसले हमेशा बुलंद रहते हैं। क्या जीत और हार अल्लाह के हाथ में है और मुझे अल्लाह पर भरोसा है, अपने लोगों पे भरोसा है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिनके लिए मैंने काम किया, वो लोग फैसला करेंगे कल को। सर आज की रात में आपका पल्स कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, अल्लाह पाक की कसम बहुत अच्छा रहेगा जी, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा रहेगा। सर मिनिस्टर बनेंगे आप? मिनिस्टर बनेंगे वो तो पार्टी लीडर पर फैसला, मैं ये नहीं कहूँगा, इसका मैं जवाब नहीं दे सकूँ, ये पार्टी लीडरशिप को देखना, जिसकी मर्जी होगी। यहाँ पे 10% टोटल होगा तो वो फैसला ऊपर हमारा जो बॉस है वो बॉस फैसला करेंगे। सर अभी आप कॉलेज के बाहर है जहाँ पे कल काउंटिंग 8 बजे शुरू होगी, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारी किस्मत जो है यहाँ पे अंदर बंद है, हम देख रहे हैं बहुत अच्छा है, डब्बू में बंद है, कल खुल जाएगा सारा इंशाल्लाह रहमान जी। चलिए, आपने अर्ली टाइम्स के साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मजीद साहब। थैंक यू। चलिए, और इस बात का मैं जवाब और दे दूंगा, आपने कहा कि आप मायूस दिख रहे हैं, सर चेहरा आपका माशा नहीं है, शायद थक गया आप, अदरवाइज मैं थक गया हूँ, मैं सुबह क्या निकला हूँ थक गया, ऐसी बात नहीं। चलिए थैंक यू सर, कुछ देर की खामोशी है शोर फिर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया था, हमारा तो दौर आएगा। बात कर रहे थे एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी साहब, जो कि कैंटेस्टिक कैंडिडेट भी है अनंतनाग वेस्ट कॉलेज सोच के, और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कल जीत होगी। अब देखने वाली बात यही होगी कल जब डब्बे खुल जाएंगे, क्या मजीद साहब अनंतनाग वेस्ट से कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये तब पता चलेगा जब किस्मत का फैसला जो है डब्बू में ऑलरेडी बंद हो गया है और वो कल 8 बजे ओपन हो जाएंगे। अर्ली टाइम्स अनंतनाग।